बच्चों को संस्कारवान बनाना और भगवान महाकाल के प्रति पूजन अर्चन की आस्था के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेगांव के तत्वावधान में प्रदेश में पहली बार प्रसिद्ध देवीलाल भाई फूलभाई माताजी मंदिर से नगर भ्रमण कर शिव टेकड़ी मंदिर तक विशाल बाल कावड़ यात्रा निकाली गई। इस बाल कावड़ यात्रा में छोटे छोटे बच्चों में अत्यधिक उत्साह देखा गया। यात्रा का नगर भ्रमण पर जगह जगह पुष्प वर्षा से नगरवासियों द्वारा स्वागत किया गया। बाल कावड़ यात्रा को लेकर आचार्य ओम प्रकाश जी शर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बधाई की पात्र हैं। इस यात्रा से बच्चों में धर्म के प्रति लगाव बढ़ेगा, इनकी अभी से ईश्वर के लिए आस्था बढ़ेगी। इस तरह के आयोजन से ही हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। कावड़ यात्रा के लिए संघ के सदस्यों द्वारा बोबलवाड़ी से नर्मदा जल लाकर कावड़ के लोटों से भरा गया। देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी की आरती के बाद मंदिर से विशाल कावड़ यात्रा बोलबम के जय घोष के साथ रवाना हुई। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज जो बाल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर। आज ये बाल कलश यात्रा वो कावड़ यात्रा क्यों निकाली जा रही? बाल कावड़ यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा पिछले दिन एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें हिंदू धर्म संस्कार के का प्रचार प्रसार और बाल कावड़ यात्रा बच्चों में सावन मास के उपलक्ष्य में शिव महादेव जी का बारे में उनको पहचान और उनके बारे में विस्तार रूप से बताना है कि बाल कावड़ यात्रा क्यों निकली, कहां से कहां तक निकाली जाएगी। बाल कावड़ यात्रा श्री देवश्री लालबाई फूलभाई माता जी से नगर के प्रमुख मार्ग भ्रमण करते हुए शिव टेकड़ी शिव मंदिर में तक जाएगी। क्या नाम लिखता हूँ? जयेंद्र राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।